Hello everyone. In this video, we are going to discuss about transport of gases to breathing and exchange of gases का chapter का ये जो last portion जो है transport of gases. Transport of gases में हम क्या देखेंगे? Blood is the medium of transport of oxygen and carbon dioxide. मतलब blood में oxygen and carbon dioxide ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड इज ए मीडियम हो गया उनके लिए. तो ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसफर होता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है 97% ट्रांसफर बाय आरबीसी. आरबीसी का थ्रू आरबीसी 97% होता है एंड 3% जो होता है थ्रू प्लाज्मा होता है. ठीक है. देन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड 20-25% होता है थ्रू आरबीसी. 70% होता है कैरेट आज बाइकार्बोनेट जैसे वो ट्रांसफर होता है. देन 3% उसका होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा में वो होता है. ठीक है. ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब कौन सी फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं. ठीक है. ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है. ये पहला पोर्शन हो गया दोनों गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है. कौन सी गैस हो गया? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है उनको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं. देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं. हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी. वो बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं. देखिए, सपोज ये हो गया हमारा आरबीसी, ये आरबीसी हो गया. ठीक है. इसका अंदर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ठीक है. हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर पिगमेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी. ये आरबीसी आरबीसी के अंदर सपोज ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन क्या करता है? ये बाइंड हो जाता है. ठीक है. ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन का साथ में बाइंड होता है. किस फॉर्म में? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में बाइंड होता है. कौन सी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में बाइंड होता है. ठीक है. तो पहले तो ऑक्सीजन आरबीसी में जाता है, तो आरबीसी में किसके साथ बाइंड होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है. फिर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है. क्लियर. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब एक ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है ये कितना मैक्सिमम कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल. ठीक है. ये एक सपोज एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन है. ठीक है. तो हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन ये 4 कैरी करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है. एक होता है हीम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट होता है. हीम पार्ट में ये ऑक्सीजन बाइंड होता है. ठीक है. तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं. और कितना वो एक ही हीमोग्लोबिन में कितना रहता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड होता है. ठीक है. तो कौन से फैक्टर होता है ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग जो होता है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन में, तो कौन सी फैक्टर उसको अफेक्ट करता है? कौन फेवरेबल कंडीशन होता है और कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है बाइंडिंग करने के लिए? ठीक है. देखिए ये भी देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होगा इन लंग्स में. ठीक है. और डिसोसिएशन कहाँ पर होगा? एरो मार्क इस तरफ दिया हुआ है. डिसोसिएशन होगा इन टिश्यू में. आगे हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. चलिए, तो फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग के लिए? तो एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग होगा. आज ऑक्सीजन विल बी बाइंड,
तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जरूरी है, टेम्परेचर, ये चारों फैक्टर अफेक्ट करता है। किसको बढ़ाना चाहिए, किसको कमाना मतलब कम करना चाहिए, कौन हायर होने से फेवर होगा, कौन लो होने से फेवर होगा, दैट वी विल डिस्कस इन हियर, ठीक है। देन हम देखते हैं, देखिए ये हो गया हमारा क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कुछ पॉइंट है, एंड ये हो गया उसका फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है, जो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक। देन ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा है, हम अभी बोलते हैं, पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है। देखिए इट इज ए कर्व, ये ऐसे ऐसा एक कर्व है ऑब्टेन इन प्लॉटिंग परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन इस तरफ हम लिए हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस तरफ हम पार्शियल प्रेशर ऑफ इस तरफ हम कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन लिए है, इस तरफ हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन का लिया है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को लिए है, ठीक है। तो कितना हमारा कैसे ये जो कार्ब है वो क्या कर, बोलता है मतलब कितना परसेंटेज हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है, कितना सैचुरेशन उसका होता है, उसी को ये प्लॉट में हम शो किए हैं, ठीक है। द कार्ब ऑप्टेन, जो कार्ब ऑप्टेन होता है वो कौन सी शेप होता है, ये सिग्मॉइड शेप और एस शेप, ठीक है, एस शेप और सिग्मॉइड शेप होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में हमारा ऐसे सिग्मॉइड शेप होगा, ठीक है, ये जो शेप को सिग्मॉइड शेप बोलते हैं। देन दिस कर्व इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये सबको हम स्टडी करने के लिए ये ग्राफ जरूरी है, एक ग्राफ को देख के हमको पता चल जाएगा मतलब किसका कंसेंट्रेशन कितना है। द लोअर पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ये एक सिग्मॉइड शेप हो गया, मतलब इस तरफ हमारा हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो दिया है, इस तरफ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन दिए हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता जाएगा तो हीमोग्लोबिन का साथ में ये बाइंड होता जाएगा, ठीक है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे एक ही ऑक्सीजन में, एक ही हीमोग्लोबिन में, देखिए एक ही ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तो 25% वो सैचुरेशन हो जाएगा, एंड दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएगा तो वो 50% हो जाएगा, ऐसे चार हो जाना से 100% सैचुरेशन हो जाता है। तो द लो, हाँ ये जो दोनों पार्ट होता है, देखिए ये जो कर्व होता है इसका दोनों पार्ट, एक अपर पार्ट में डॉट करके हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किए हैं, नीचे में एक दिया है, नीचे जो आ गया शिफ्टेड टू द राइट, ये राइट साइड, ये जो कर्व है, ये जो नीचे में जो डॉटेड है, ये कर्व किस तरफ राइट साइड को शिफ्ट कर गया, और इस तरफ हो जाना से इस कर्व का ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर गया, राइट साइड दोनों तरफ शिफ्ट कर सकता है, तो राइट साइड को लेफ्ट साइड को। तो देखिए द कर्व इज द लोअर पार्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, देखिए अगर लोअर पार्ट शो करेगा तो दैट इज द डिसोसिएशन, ड्यूरिंग द डिसोसिएशन शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड को, ड्यूरिंग एसोसिएशन और जब सैचुरेशन ज्यादा होता है तो इस तरफ वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है हमारा कर्व। तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन होता है जब लोअर पार्ट को आ जाता है मतलब राइट साइड को, और जब अपर पार्ट को जाता है मतलब लेफ्ट साइड को जाता है, ये एक्सेप्टेंस मतलब एसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का साथ में,
ठीक है, द कार वेज शिफ्टेड इधर टू लेफ्ट और राइट बाय द वेरियस फैक्टर देख के, फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन देख के वो शिफ्ट करता है। अगर ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट को, ये इंडिकेट करता है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन। अगर ये लेफ्ट को शिफ्ट करता है तो हम ये क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन का साथ में। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन का साथ अगर ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है। ठीक है, अगर ये राइट साइड को शिफ्ट करता है, ये क्या शिफ्ट टू राइट इंडिकेट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। क्लियर, देन देखते हैं इट अकर इन द एल्वियोलाई। ये कहां पर होता है एसोसिएशन, कहां पर होता है, ये होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, वह दैरिज क्यों एल्वियोलाई में होता है, क्योंकि वहां पर हमारा पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लो होता है एक में, दो में पार्शियल हाई ऑक्सीजन का प्रेशर हो जाता है एंड लेस हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन का होता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का लोअर वैल्यू हो जाता है एंड लोअर टेम्परेचर। तो लगभग आपको याद रखना है जब एसोसिएशन होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब ये मतलब लेफ्ट साइड को जाता है तो ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है और ये जो तीनों फैक्टर है ये कम हो जाता है। ठीक है, ओनली ऑक्सीजन का हाई होता है, ओनली ऑक्सीजन हाई होता है और ये सब तीनों लो हो जाता है। ठीक है, लाइक दैट ये कब होता है, ये कब होता है, ये टिश्यू में होता है जब ऑक्सीजन लो हो जाता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो लो होता है और सब हाई हो जाता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, तब कर्व जो है ये राइट को शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, देन दिस इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन ऑन द लंग सरफेस। ये हमारा समझ में आ गया, लंग सरफेस में हमारा हीमोग्लोबिन, लंग सरफेस में हीमोग्लोबिन का साथ में ऑक्सीजन बाइंड होता है एंड डिसोसिएशन हो जाता है टिश्यू लेवल में। ठीक है, टिश्यू लेवल में डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, देन देखते हैं 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है कितना ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है टिश्यू को। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमारा होगा तब 100 ml ऑफ ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा टिश्यू को, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन करेगा। तो ये था हमारा कौन सी दो गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी तक ये पढ़े हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट किस में जाता है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है आरबीसी में जाता है और कौन सी फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होके जाता है एंड एक ही हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन कैरी होता है, 4 molecule ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी होता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन का HbO2 में रिप्रेजेंट किया जाता है जब बाइंड होता है, जब एसोसिएशन होता है लंग में होता है, डिसोसिएशन होता है टिश्यू में होता है, कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, देन टेम्परेचर, ये चारों फैक्टर, देन ये जो कर्व होता है ये कौन सी कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन मतलब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो ये रिप्रेजेंट किया जाता है ये नॉर्मल कंडीशन में, ये क्या ये जो कर्व है ये क्या है, प्लॉटेड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, ये नॉर्मल जो प्लॉटेड सिग्मॉइड शेप हुआ है मतलब ये है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन कैसे होता है हीमोग्लोबिन का साथ में ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का साथ में ऑक्सीजन कैसे होता है ये सिग्मॉइड शेप करके दिया हुआ है। देन ये जो सिग्मॉइड शेप जो कर्व है हमारा वो कैसे शिफ्ट करता है लेफ्ट को और कैसे राइट को शिफ्ट करता है, कौन सी कंडीशन में करता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, बाय।